उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ पहुंचे। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ लोग राम मंदिर को लेकर भाजपा पर तंज कसा करते थे, लेकिन अब मंदिर भी बन गई और तारीख भी निश्चित हो गई। कांग्रेस और राहुल पर अपरोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी राम भक्त और चुनावी जनेऊधारी सिर्फ चुनाव में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता। वहीं अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा में लगातार उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार में गौ वध और गौ तस्करी का कार्य किया जाता था, इसलिए वह मुख्य मुद्दों को छोड़कर इन्हीं मुद्दों पर वार्तालाप करते हैं। हालांकि सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों पर भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने गौ आश्रय के लिए फिर से बजट जारी किया है और अधिक बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। वही 5 राज्यों के चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान तो भाजपा आसानी के साथ जीत रही है, बाकी अन्य 3 राज्यों में भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है और परिणाम बेहतर आएंगे।